हाँ जी, राम राम सबको। तो तैयार त्यूर हो हैं, अभी कटिंग कुटिंग करानी जानी है यार। आज सच्चे एकदम से याद आया मेरे को कि आज शादी में भी जाना है यार, शाम को 8 बजे के आसपास। तो सर भाई के साथ जाना है, तो कटिंग कराई नहीं थी, अभी कटिंग कराने चलते हैं। सुबह का मैं तो सो ही रहा था, आज नींद ही घनी आवे है एकदम। अब चलते हैं, कटिंग कुटिंग कराते हैं अपना। तो कटिंग करा के फिर कपड़े कपड़े भी प्रेस करने हैं, यहाँ रखे तो हैं कपड़े। फिर प्रेस प्रूस करते हैं इनको भी, आके तैयार त्यूर होके निकलते हैं शादी के लिए। और तो क्या ही यार, चलो चलते हैं। अरे लुक चेक करो पहले, तो बढ़िया लग रहा है ना अभी कटिंग कराने के बाद, और बढ़िया लगेगा तुम्हारा भाई। वैसे हमेशा ही बढ़िया लगता है, हीरो तो है हूँ मैं। अपनी तारीफ थोड़े मुँह से कर दी, इग्नोर का। तो अभी चलते हैं घड़ी घड़ी पहन के, है ना। तो भाई कटिंग कराने आ चुके हैं, गुड लुक से कटिंग कराएंगे। बाकी जाके देखते हैं कि कैसे कटिंग करानी है, क्या स्टाइल कराना है। भैया नहीं कर सकता हूँ बदला। अभी भाई कटिंग कराए हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली यार कटिंग में मेरे को। मतलब कि जो मिलना चाहिए था कि कटिंग, हाँ बहुत बढ़िया, वो चीज़ मिली नहीं, क्योंकि अलग जगह से कटिंग कराई है। तो भाई मैं दोबारा अपने सलून पर जा रहा हूँ एक बार, कि वो जो कमी पेशी है वो सुधारे। क्योंकि भाई दिख जाता है कि क्या दिक्कत आई है, काफ़ी दिक्कतें आई हैं कटिंग के लिए। तो इतना बढ़िया मैं नहीं कहूँगा था, लेकिन हाँ नेचर अच्छी, लोगों की बढ़िया थे, स्टाफ बढ़िया था उनका, लेकिन वो चीज़ बनती नहीं है। अभी मैं वापस अपने सलून पे जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्रदर हैं एक, तो उससे कटिंग कराते हैं दोबारा जाके, मतलब जो कमी पेशी हो करवा दूँ। हाँ तो भैयों क्या कहा था, भाई के पास आऊँगा मेरे बाल सेट हो जाएंगे। 10 साल पहले भैया ने सेट किए थे, और आज फिर आया हूँ, आज फिर भैया ही सेट कर रहे हैं भाई। तो भाई कटिंग करा ली है, भाई के पास आया था, भाई ने बाल सेट कर दिए मेरे। बहुत टाइम बाद आया, मतलब पवन भैया के पास, मतलब कि लास्ट टाइम छोटे होते इनसे बाल सेट कर रहे थे, आज से 10 साल पहले। तो अब दोबारा प्रॉब्लम हुई थी बालों को, तो भैया के पास आया इन्होंने, मेरे ख्याल से मसा 5 मिनट लगाए और पूरे बाल मेरे सही कर दिए। बाकी मैंने नया काम चालू किया है, यहाँ पे तो आप लोग आना, मस्ट विजिट, ठीक है, रिकमेंडेड मैं करता हूँ इस जगह को। बाकी अब शादी में जाना है भाई की, तो वहाँ निकलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो तैयार हो चुके हैं, अभी यहाँ से तुषार भाई के पास चलते हैं, फिर मैरिज के लिए निकलते हैं भाई की। और अब क्या बताएं, कैसा लग रहा हूँ भाई, बढ़िया ही लग रहा हूँ, है ना। लुक चेक करो एक बार। तो अभी चलते हैं, तैयार हो चुके हैं। मित्रों क्या हाल है भाई, ठंड बहुत है। एक तो किस्मत देखो मेरी, शादी में गया था वो भी स्कूटी पे, मेरी किस्मत है भाई यही है। सोचा नहीं था कि स्कूटी पे शादी में जाऊंगा, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें, कांड ऐसे किए हैं, अब क्या बोल सकते हैं हम। अभी तुषार भाई को घर छोड़ दिए और मैं जा रहा हूँ अपने घर। ओ ये तो पीस की लाइन है यार, मैंने बोल दी, चलो कोई ना चलता है। अभी घर पहुंच के फिर मिलता हूँ एक बारी, एंड करते हैं अपना व्लॉग। तो एक तो हवा की आवाज़ ही बहुत आ रही होगी, स्कूटी चल रही है तो ऑब्वियसली आएगी यार। वो चलो मतलब गाना निकल दिया, लेकिन कट्टी काट भी नहीं सकते एक व्लॉग च, इतनी ठंड है। ट्रक वाला देखो, एक तो सामने आ गया, जुड़ना सी मैं मिनटों में व्लॉग चक्कर, तो मेरा भोग पे जाना सी ब्लॉग में, बड़ा ब्लॉग ओ भोग सॉरी। चलो घर जाके बात कर। तो हाँ जी, तो घर आ चुके हैं, कपड़े कपड़े चेंज कर लिए भाई। और आज तो भाई सही बताऊँ, कटिंग का इतना पंगा पड़ा था यार, मतलब सोचा नहीं था कि एक बार अगर अपना बार बार चेंज करूँगा तो इतनी दिक्कत आएगी मेरे को कटिंग में। मतलब नेक्स्ट लेवल था यार, मतलब उस बंदे ने क्या किया कटिंग की, नो डाउट बंदा ट्रेंड था, नहीं था मेरे को नहीं पता, उसने कटिंग की।
नमूना बना दिया एक तरह से कह सकते हैं, कि एक साइड के बाल ज़्यादा काट दिए, एक साइड के कम काट दिए। उसके बाद मेरे को अभी कहता था उस तरह कर तू, मैं कहूँ भाई हाथ जोड़ के विनती है उस तरह रहने दे कि तू मेरा गला गुला ही काट दे, ठीक है। तो भाई बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं भागा। उसके बाद मेरे को एक चीज़ की नॉलेज आई, इस चीज़ में एक चीज़ अक्ल आ गई दिमाग में कि जो मर्जी हो जाए भाई अपना बार बार चेंज मत करो कभी, बहुत दिक्कत आती है। ऊपर से मैरिज पे भी जाना था आज, अगर भाई बाल ना सेट होते भाई जो जुलूस निकलना था मेरा, मेरे को पता है। थैंक्स टू पवन भाई, उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा फ़ोन उठाया और अपॉइंटमेंट दी कि आ जा अभी आ जा। थैंक्स पवन भाई, बाकी व्लॉग देखना आपका, मैंने सलून भी दिखाया व्लॉग में, प्रमोशन किया है, चलता चलता है, प्रमोशन तो करने हैं लोगों के, बर बर के करने हैं। तो भाई आज कटिंग का पंगा पड़ गया, कटिंग कुटिंग एंड में जाके देखो सही हुई है कटिंग, हीरो लग रहा हूँ, कमेंट कर देना हीरो अगर मन हो तो। एक तो मेरी कभी नोटिस किया है मेरे कमरे की ये अलमारी के ऊपर ये बारबी डॉल के स्टिकर, भाई ये पहले मेरी बहन की अलमारी थी, उसको नहीं मिल गई तो मेरे को ये शिफ्ट कर दी। अभी बनाएंगे उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाएंगे जब नया इंटीरियर बनाऊंगा अपने रूम का। बेड तो अभी बनवाया बहुत मुश्किल से मम्मी को कह कह के, नहीं तो मेरे को मिलना नहीं था। और इंटीरियर वाला ब्लॉग भी आएगा उसके बाद, एक सरप्राइज़ और है, वो गाड़ी आ जाए एक मेरी कोई तो फिर आपको सरप्राइज़ देंगे, बहुत तगड़ा है, मतलब मान के चल लो कि टोरे वाली चीज़ आने वाली है, एक बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है कि नहीं। तो अभी के लिए ब्लॉग एंड करते हैं, कल मिलता हूँ, तो ब्लॉग अपलोड भी करना है, टाइम भी बहुत हो गया आज, अभी इसको एडिट भी करूँगा। चलो मिलते हैं फिर, ओके सी यू मित्रों।